Do you feel excited on any specific day? If yes, then be excited today. Because today, I am overly excited. Because I am in the mood to make my favorite Bengali sweet tomato chutney. The Bengalis in Saraswati Pujo ba Durga Pujo te khichurir sathe khub anondote khete pochondo kore. So without any further ado, let's begin. एक पैन लेंगे, पैन के गर्म होने पर 3 से 4 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। एक चम्मच पाँच फोरन डालेंगे। पाँच फोरन में होता है जीरा, काला जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ। इन केस इफ यू आर यूजिंग वेजिटेबल ऑयल, आप सरसों के सीड्स जरूर मिलाएं। अच्छे से अब सभी को आप भून लेंगे। फिर हम डालेंगे 3 से 4 डी सीडेड लाल सूखी मिर्ची। फिर डालेंगे कसा हुआ अदरक। अदरक को तब तक पकाएंगे जब तक कि उनका फ्रेग्रेंस रिलीज ना हो। अब हम ताजे कटे हुए टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ 3 टमाटर लिया हुआ है। कुछ समय टमाटर के पकने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सभी को आप अच्छे से मिलाकर 4 से 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। बीच में जरूर चेक करें ताकि टमाटर ज्यादा जल ना जाए। अब हम डालेंगे एक छोटी कटोरी भरकर किशमिश, फिर 8 से 10 बारीक काटकर खजूर। इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मिलाए कटोरी भर पानी। स्वीटनेस के लिए आप थोड़ा शुगर भी डाल सकते हैं। इसे अब एक लास्ट मिक्स दे और फिर इसे लास्ट टाइम ढककर पका ले। आपका स्वीट बंगाली टाइप टमेटो चटनी अब तैयार है। एंजॉय इट विद खिचड़ी या चपाती, पराठा या ब्रेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।